ये देखिए दोस्तों, मिलीबग किस प्रकार पौधों को पूरी तरह से, टमाटर के इस छोटे से पौधे को अपनी गिरफ्त में लिए रखे हैं इन्होंने। तो मिलीबग जो है, ये पौधे को अगर जहाँ से जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो पूरी तरह से पौधे को डैमेज कर देते हैं और इसकी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देते हैं। इसके अंदर का जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसे ये चूस जाते हैं। तो मिलीबग को पौधों पर टिकने नहीं देना है, इनका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट हम आज की इस वीडियो में इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि क्या तरीका है, किस तरीके से हम इसे पूरी तरह से पौधों पर से हटा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं। जैसे ये देखिए, मिलीबग है और इस पर चींटियाँ हैं। मिलीबग बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन ये खुद को अपने आप मल्टीप्लाई नहीं करते, इनको मल्टीप्लाई करने में चींटियों का बहुत अहम रोल होता है। तो पहले हमें चींटियों को अपने गार्डन से दूर करना होगा, जिससे कि ये मिलीबग को मल्टीप्लाई ना कर पाए। तो चींटियों को गार्डन से कैसे दूर करना है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, मिलीबग की जो समस्या होती है कुछ खास प्लांट्स पे है जिनमें इनकी समस्या ज़्यादातर देखी जाती है, जैसे गुड़हल का पौधा हुआ, अमरूद का हुआ, टमाटर का हुआ। तो इन कुछ मेजर प्लांट्स हैं जिनमें इनकी समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है थोड़े चिपचिपे टाइप के होते हैं और ये जो ऊपर की जो परत होती है इनकी, ये चिपचिपी परत होती है। अगर ये परत हटा दी जाए तो मिलीबग अपने आप मर जाते हैं, पर ये चिपचिपी परत है, ये जल्दी हटती नहीं है पौधों पर से। अगर आप नॉर्मल पानी का इस पर प्रेशर मारेंगे तो ये चिपचिपी परत इस पौधे पर से आपके हटेगी नहीं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अपने हाथों से हटा के दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए, इन्होंने पूरी तरह से इसे पकड़ रखा है और मैं इनको दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, तो इनकी जो पकड़ है ये काफ़ी चिपचिपी है, जिस वजह से ये पौधों पे चिपके रहते हैं। तो जब हम इस पर नॉर्मल पानी मारते हैं तो ये हटते नहीं है। जो ऊपर की सफ़ेद परत है, अगर ये हटा दी जाए तो मिलीबग अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो हम आते हैं ट्रीटमेंट पे कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे। दोस्तों, मिलीबग का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये जो हमारे घर में चावल पकने के बाद बच जाता है तो हमें वही चावल यूज़ करना है, और ये पका हुआ चावल है देखिए, तो इनको हम इस प्लास्टिक के उसमें पात्र में रख लेंगे और इसमें हम मिला लेंगे पानी। इस प्रकार से हम पानी डाल देंगे और पानी डाल के करीब हम दो दिन के लिए, या फिर आप चाहें तो 24 घंटे के लिए इसे छोड़ दें। इसमें से एक हल्की स्मेल आने लगेगी, गंध सी। जब एक गंध सी आने लग जाए तब आपको इसे यूज करना है। तो दोस्तों, चलिए हम इसे छोड़ देते हैं दो दिन के लिए और दो दिन बाद हम देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो दोस्तों, पूरे 24 घंटे बाद हम, आप देखिए, इस जो पानी को हमने भिगा के रखा था चावल का, इसका कलर देखिए, बिल्कुल चावल इसमें अच्छे से घुल गया है, मिल गया है। अब हम इसे छान लेंगे। तो दोस्तों, इसे हम, जो हमने लिक्विड चावल के भिगो के रखा हुआ था, इसे हम छान लेंगे। अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो आप किसी कपड़े की मदद से इसको छान लीजिए। ये देखिए, पूरा चावल आपको छानने के बाद ऐसा मिल जाएगा। और इस चावल को हम डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे अपने गार्डन में, अपने पौधों पर। इसमें हम मिला लेंगे कोई लिक्विड सोप। आपके पास शैम्पू है तो आप शैम्पू यूज कर लीजिए, शैम्पू नहीं है तो आप जो हैंड वॉश है, डिश वॉश है, कोई भी चीज़ आप यूज कर लीजिए। और हम दो से चार बूंद ही यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसको हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। आप ये देख रहे हैं, हमने अच्छे से मिला लिया और इसको हम भर लेंगे अपने स्प्रेयर बोतल में। इस जो लिक्विड को हमने बनाया हुआ है, इसको स्प्रेयर बोतल में हम भर लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो मिलीबग से छुटकारा पाने के लिए जो होममेड सॉल्यूशन है, ये तैयार है। अब आइए चलें हम इसको अप्लाई करके देखते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पौधा है और इस पर हम इसका छिड़काव करेंगे मिलीबग के ऊपर। डायरेक्ट हमें करना है मिलीबग्स के ऊपर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि इसके छिड़काव से, आप नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले छिड़काव कर लेते हैं हम, और अगर आप प्रेशर से छिड़काव देते हैं तो ये और अच्छा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने लाइव मैंने आपको दिखाया छिड़काव करके। जितने भी मिलीबग्स इधर दिख रहे थे जिन पे मैंने छिड़काव किया हुआ है, ये सारे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ज़मीन पे गिर गए हैं। इनकी जो वाइट सेल्स थी, ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। इनकी जो ये देखिए जो इनकी वाइट सेल्स थी वो हट गई हैं। अब इनकी पकड़ हो गई कमज़ोर, अगर ज़रा सा भी इन पे फोर्स लगता है ये तुरंत नीचे गिर जाते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, जहाँ जहाँ आपको मिलीबग की समस्या दिखाई दे, अभी देखिए मैं दूसरी तरफ से भी प्लांट में भी मिलीबग हैं इसमें, तो दूसरी तरफ से भी हम इसमें इसी प्रकार से छिड़काव करेंगे। तो दोस्तों आपको जहाँ जहाँ भी मिलीबग आपको अपने गार्डन में दिखे, उस पर इस लिक्विड का आप पहले हल्का स्प्रे करें, उसके बाद थोड़ी तेज धार से उसको धो दें पौधे को। सारे के सारे मिलीबग्स आपके पौधे से नीचे गिर जाएंगे और वो मर जाएंगे। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, जानकारी आपके काम की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सुझाव हो आपके पास तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।